हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। नए व्यूअर्स के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने डिशवॉशर से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें हमने डिशवॉशर के डेमोन्स्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन और उसके कंट्रोल पैनल से रिलेटेड एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ स्मार्ट फंक्शंस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। मुझे LG डिशवॉशर के स्मार्ट फंक्शंस को समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ा था, इसलिए मैं आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा LG थिंक ऐप, और इसके बाद हम उसमें गूगल के थ्रू साइन इन कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी ID से लॉग इन करेंगे। अगले स्टेप में हमसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एक्सेप्टेंस मांगी जाती है, जिन्हें हम एक्सेप्ट ऑल करके आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है निकनेम, यहाँ पर हम अपना नाम या कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह हम पहुँच जाते हैं LG की होम स्क्रीन पे। यहाँ एक ऐड डिवाइस का बटन दिखता है, इसे हम अपनी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। डिवाइस को हम स्कैन करके या मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। मैं इसको मैन्युअली ऐड कर रही हूँ, और इसके आगे कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी डिवाइस को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा डिशवॉशर ऐप में ऐड हो चुका है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी डिवाइस को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना। हमारी डिवाइस वाईफाई राउटर के पास ही रखी होनी चाहिए ताकि वह उससे प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। अब इसमें हम वाईफाई राउटर का पासवर्ड डालते हुए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं। इस समय हमारे स्मार्टफोन का मोबाइल डेटा ऑफ होना चाहिए। स्क्रीन पर दिख रहे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोल पैनल के डिले स्टार्ट बटन को हमें 3 सेकंड तक दबा के रखना है। और फाइनली हमारा अप्लायंस हमारे थिंक ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है, और हमारे कंट्रोल पैनल पर वाईफाई का इंडिकेटर एलुमिनेट हो जाता है। तो ये है हमारे LG थिंक ऐप की होम स्क्रीन। इसमें हमें कई तरीके के स्मार्ट फंक्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने अप्लायंस को ओपन कर लेते हैं। अप्लायंस का पावर ऑन करते ही वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। आप अपने सभी सेलेक्टेड साइकिल ऑप्शंस और एफिशिएंसी ऑप्शंस को अपने फ़ोन पे चेक कर सकते हैं, और इस तरह हम अपने अप्लायंस की पूरी मॉनिटरिंग अपने फ़ोन से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इको साइकिल, स्टीम और एक्स्ट्रा ड्राई ऑप्शंस के साथ सेलेक्ट किया है। इस ऑप्शन के होने के कारण हम अपनी मशीन के आसपास नहीं भी हैं तो भी हम उसकी वर्किंग को वॉच कर सकते हैं। अप्लायंस में आने वाली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे फ़ोन पे बता दिया जाता है। जैसे कि इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वाटर इनलेट की प्रॉब्लम शो हो रही है। मुझे पर्सनली इसमें नोटिफिकेशन का फीचर सबसे पसंद आया, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से पहले ही आप अवेयर हो जाते हैं। जैसे कि इस स्क्रीन पर सॉल्ट फिनिश होने का मैसेज ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए अब इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके हम डिशवॉशर के दूसरे भी ऑप्शंस को जान लेते हैं। डाउनलोड साइकिल, मशीन क्लीन कोच, स्मार्ट डायग्नोसिस और सेटिंग्स। डाउनलोड साइकिल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें कुछ ऐसे डेडिकेटेड साइकिल्स मिल जाते हैं जो कंट्रोल पैनल पर नहीं होते हैं। ये साइकिल्स P1, P2 जैसे कोड्स के साथ हमारे डिस्प्ले पर शो होते हैं। मैं यहाँ पर पॉट्स और पैंस के लिए P1 साइकिल को डाउनलोड करने वाली हूँ। इसके लिए हमें इसे सेलेक्ट करके डाउनलोड टू डिशवॉशर बटन को पुश करना होगा। कंट्रोल पैनल पर डाउनलोड साइकिल को पुश करने पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा P4 साइकिल सेलेक्टेड था, और अब P1 साइकिल शो हो रहा है। तो इस तरह हम कुछ डेडिकेटेड एक्स्ट्रा साइकिल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट बटन दबाने पर ये अपना एस्टिमेटेड टाइम सेलेक्ट कर लेता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, ये है मशीन क्लीन कोच। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिशवॉशर को इंटरनल बॉडी क्लीन करने के लिए मशीन क्लीन ऑप्शन दिया गया है, और एवरी 30 साइकिल्स के बाद हमें मशीन क्लीन की ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये ऑप्शन हमारे इसी काम के लिए रिमाइंडर का काम करता है। इस ऐप में एक स्मार्ट डायग्नोसिस का फंक्शन भी प्रोवाइड कराया गया है। जब अप्लायंस में किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस फंक्शन को सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्टैक्ट करने के लिए ही यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना होता है, और कॉल सेंटर से इंस्ट्रक्शंस मिलने पर
हमें अपने फोन को स्मार्ट डायग्नोसिस आइकन के पास होल्ड करके रखना होता है। फिर डाउनलोड साइकिल बटन को काउंटडाउन डिस्प्ले होने तक दबाना होता है। इस तरह हमारे फ़ोन से सर्विस सेंटर तक टोन ट्रांसमिशन के थ्रू अप्लायंस की प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाता है और फिर सोल्यूशन बताया जाता है, और किसी मेजर प्रॉब्लम के होने पर सर्विस एजेंट विजिट करने के लिए भेजा जाता है। तो अब हम अपने लास्ट ऑप्शन सेटिंग्स की ओर बढ़ते हैं। सेटिंग्स के अंदर हम निक नेम, लोकेशन और नेटवर्क वगैरह को चेंज कर सकते हैं, साथ ही प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।